के स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको अपनी एक रचना सुनाता हूँ, मेरा भारत। इसमें मैंने भारत को, भारत के जो दो आधार, भारतीय संस्कृति के दो आधार स्तंभ हैं राम और कृष्ण, उनसे जोड़ करके भारत को देखने का प्रयास किया है। एक तो कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, उससे पहले एक आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और बाद में जब कविता सुनने के बाद अपनी राय, अपने सुझाव और ये भी बताइएगा कि कविता कैसी आपको लगी। तो हाजिर है कविता, मेरा भारत। मेरा भारत है साक्षात कृष्ण स्वरूप, मेरा भारत है साक्षात कृष्ण स्वरूप। देखो उसके आभा मंडल से, देखो उसके आभा मंडल से झलकता अलौकिक तेज है। मेरा भारत है साक्षात कृष्ण स्वरूप, देखो उसके आभा मंडल से झलकता अलौकिक तेज है। छेड़कर मुरली की मधुर तान, चर अचर समूचे जग को आनंदित करता है। छेड़कर मुरली की मधुर तान, चर अचर समूचे जग को आनंदित करता है। शांति पंचशील की संरचना हेतु, शांति पंचशील की संरचना हेतु पल प्रतिपल सौम्य वातावरण निर्मित करता है। अखिल ब्रह्मांड का पोषण करने, अखिल ब्रह्मांड का पोषण करने, अखिल ब्रह्मांड का पोषण करने कांधे पर अंगोछा डाले, अखिल ब्रह्मांड का पोषण करने कांधे पर अंगोछा डाले। चरवाहा बनता है मेरा यह मोहन। अब राम के साथ जोड़ करके इसको, कविता को आगे बढ़ाता हूं। मेरा भारत है साक्षात राजा राम स्वरूप, मेरा भारत है साक्षात राजा राम स्वरूप। देखो उसके ललाट पर, देखो उसके ललाट पर दमकता अनोखा ओज, देखो उसके ललाट पर दमकता अनोखा ओज। पुरखों की रीति परंपरा, पुरखों की रीति परंपरा जग कल्याण हित अग्रेषित वह करता है। पुरखों की रीति परंपरा जग कल्याण हित वह अग्रेषित करता है। सत्य सत्य की रक्षा हेतु, सत्य सत्य की रक्षा हेतु वन में रह करके विध्वंसक का वध करता है। स्वर्गमयी लंका तज, स्वर्गमयी लंका तज जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी कहता मेरा यह पुरुषोत्तम। धन्यवाद।